नमस्कार। अभी तक हमने घटनाओं के संदर्भ में सप्रतिबंध प्रायिकता को समझा था, अर्थात हमने यह देखा था जब हमारे पास कुछ घटनाएं अथवा एक घटना समष्टि है तब उन घटनाओं पर किसी अन्य घटना के होने का प्रतिबंध लगाकर प्रायिकता किस प्रकार का व्यवहार करते हैं एवं प्रायिकता को हम किस प्रकार जान सकते हैं। इसी प्रकार जब हमने यादृच्छिक चरों की अवधारणा को समझा तब हमने यह देखा कि किस प्रकार हम प्रतिदर्श समष्टि एवं घटना समष्टि को वास्तविक संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं एवं हम घटनाओं को संख्याओं के समुच्चयों के रूप में समझ सकते हैं। जब हमने यादृच्छिक चरों की अवधारणाओं को समझा तो हमने यह देखा किस प्रकार हम अब समुच्चयों के बीजगणित की बात न करके वास्तविक संख्याओं जिनके साथ हम प्राकृतिक रूप से अधिक सहज होते हैं उनके सापेक्ष यह चर्चा कर सकते हैं एवं हमने यादृच्छिक चरों को इस रूप में समझ लिया। अब जिस प्रकार हमने घटनाओं के संदर्भ में सप्रतिबंध प्रायिकता देखी थी वैसे ही यादृच्छिक चरों संदर्भ में यादृच्छिक चरों के संदर्भ में सप्रतिबंध प्रायिकता को हम देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी प्रतिबंध कारी घटना M के संदर्भ में किसी अन्य घटना A की प्रायिकता कुछ इस प्रकार हमने यह सप्रतिबंध प्रायिकता की चर्चा में देखा था। अब सप्रतिबंध प्रायिकता की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए हम यह लिख सकते हैं कि यदि हम एक यादृच्छिक चर x को प्रतिबंध M के सापेक्ष परिभाषित करें तब उसका बंटन फलन कुछ इस प्रकार
यह सरल है, हमने यह वह घटना है जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं, ज्ञात करना यह प्रतिबंध, यह प्रतिबंध है। अर्थात हम यह बंटन फलन इस प्रकार लिख सकते हैं। अब सप्रतिबंध प्रायिकता की पहले चर्चित परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं, प्रायिकता बराबर है प्रायिकता यह। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि इस बंटन फलन x की परिभाषा अप्रतिबंधित बंटन फलन के समान ही है, बस सभी ताओं के स्थान पर सप्रतिबंध सभी प्रायिकताओं के स्थान पर सप्रतिबंध प्रायिकताएं आ गई हैं। अब इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप, इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप सप्रतिबंध बंटन फलन के गुणधर्म एक एवं प्रायिकता x1 कम है x से एवं अधिक नहीं है x2 से उपस्थित है, fx x2 उपस्थित है माइनस fx x1 उपस्थित है बराबर है प्रायिकता यह। जिस प्रकार हमने बंटन फलन को परिभाषित किया है, ठीक उसी प्रकार हम घनत्व फलन भी परिभाषित कर सकते हैं। सप्रतिबंध घनत्व फलन उसी प्रकार जिस प्रकार हमने सप्रतिबंध बंटन फलन को परिभाषित किया है। अवकलन अर्थात सीमा डेल्टा शून्य की ओर जाते हुए प्रायिकता यह भी अप्रतिबंधित एक ऋणेतर फलन है, यह भी एक ऋणेतर फलन ही है एवं
इसके द्वारा व्याप्त त्रिफल भी एक होगा, अर्थात समाकलन अनंत से अनंत एफ एक्स एक्स उपस्थित एम डी एक्स बराबर है एक। यह अब एफ एक्स एक्स उपस्थित एम एवं एफ एक्स एक्स उपस्थित एम करने हेतु हमें एक्स एवं एम के जनक परीक्षणों का ज्ञान होना आवश्यक, हमें इन परीक्षणों का ज्ञान होना आवश्यक है, यह हम जानते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि हम घटना M को यादृच्छिक चर X के सापेक्ष व्यक्त कर सकें तब एफ एक्स एक्स उपस्थित एम एवं एफ एक्स एक्स उपस्थित एम को ज्ञात करने हेतु केवल एफ एक्स एक्स का ज्ञान अर्थात एक्स के बंटन का ज्ञान केवल एक्स के बंटन का ज्ञान पर्याप्त है। उदाहरणतः यदि हम एक्स का बंटन प्रतिबंध एक्स ए से अधिक नहीं है के साथ ज्ञात करना चाहते हैं तब हम देख सकते हैं कि घटना M को हम परिभाषित कर सकते हैं X A से अधिक नहीं है इस रूप में एवं यह ज्ञात करना चाहते हैं अर्थात प्रायिकता यह हम यह प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। अब हम लिख सकते हैं प्रायिकता अब हम यह देख सकते हैं x की दो देख सकते हैं कि x की दो स्थितियां हो सकती हैं एक x a से छोटा है एवं दो x a से अधिक नहीं है एवं दो x a से अधिक है। हम पहली स्थिति की बात करते हैं यदि
यह x अर्थात यह, यदि x a से अधिक नहीं है तब हम इस समुच्चय को इस रूप में लिख सकते हैं। अर्थात अब क्योंकि x a से बड़ा नहीं है, यह फलस्वरूप इसी प्रकार यदि तब यह समुच्चय बराबर है, अर्थात प्रायिकता यह। अंततः हम लिख सकते हैं अर्थात अर्थात हम लिख सकते हैं यह जब x a से बड़ा होगा। इस प्रकार हमने इन दो स्थितियों को देखा। आगे बढ़ते हुए इसका अवकलन करते हुए हम यह लिख सकते हैं इसी प्रकार यदि प्रतिबंध है यदि प्रतिबंध यह है हम fxx अर्थात बंटन फलन एवं fxx अर्थात घनत्व फलन ज्ञात करना चाहते हैं तब पास तीन तब हमारे पास तीन स्थितियां बनती हैं। एक x b से छोटा है, दो x b एवं a के बीच है, एवं तीन x a से बड़ा है। यह तीन स्थितियां कुछ कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पास पिछले उदाहरण में स्थितियां बनी थी। यदि हम पहली स्थिति की बात करें जहां छोटा x b से अधिक नहीं है, हम देख सकते हैं अब हमारी घटना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एवं हम यह देख सकते हैं यह द्विक समुच्चय होगा, अर्थात
अर्थात यह पहली स्थिति है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में तब को हम इस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात एक्स से कम है, अर्थात यह तत्स्वरूप तीसरी स्थिति में x a से बड़ा है, अर्थात का अर्थ है x का अर्थ है x अर्थात अंततः एक। अर्थात इन तीन स्थितियों में हम लिख सकते हैं यह। अंततः हम इसी का अवकलन करते हुए हम लिख सकते हैं शून्य अन्य सभी स्थानों, अन्य सभी स्थानों पर यह शून्य होगा। यह अब जिस प्रकार हमने हमने घटनाओं के संदर्भ में बेस का सूत्र परिभाषित किया था, उसी प्रकार हम वह यादृच्छिक चरों के संदर्भ में भी हम यह यादृच्छिक चरों के संदर्भ में भी कर सकते हैं। मान लीजिए अब कि ए एक ए दो ए एन प्रतिदर्श समष्टि एस के विभाजन है, अर्थात किन्हीं भी आई
जे के बराबर नहीं है के लिए ए आई ए जे एक रिक्त समुच्चय है एवं सम्मिलन एक से एन ए आई बराबर है प्रतिदर्श समष्टि, तब हम लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर है प्रायिकता x उपस्थित a1 प्रायिकता a1 जमा प्रायिकता उपस्थित a2 प्रायिकता a2 जमा प्रायिकता उपस्थित an प्रायिकता an अर्थात जोड़ i उपस्थित ai प्रायिकता ai यह हम लिख सकते हैं जोड़ x उपस्थित ai प्रायिकता ai एवं घनत्व फलन के लिए हम लिख सकते हैं जोड़ इसी प्रकार प्रायिकता a उपस्थित x से अधिक नहीं है को हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्रायिकता x x से अधिक नहीं है उपस्थित a बटे प्रायिकता x x से अधिक नहीं है गुणा प्रायिकता a बराबर है उपस्थित a बटे x का बंटन फलन प्रायिकता a एवं प्रायिकता a उपस्थित x1 से x2 के बीच में है बराबर है उपस्थित a यह अंततः हम बेस के सूत्र को यादृच्छिक चरों के रूप में लिख सकते हैं जो कुछ इस प्रकार होगा प्रायिकता a उपस्थित x बराबर x यह बेस के सूत्र का यादृच्छिक चरों वाला रूप है अथवा यह यादृच्छिक चरों के संदर्भ में बेस का सूत्र है। इसी के साथ एक यादृच्छिक चर की हमारी चर्चा समाप्त होती है। हमने यह देखा कि यादृच्छिक चर क्या होता है एवं हम उसके फलनों को कैसे परिभाषित करते हैं। हमने मध्यमान प्रसरण एवं आघूर्णों की चर्चा की। अंततः हमने सप्रतिबंध यादृच्छिक चरों की चर्चा की। अब हम आगे के व्याख्यानों में हम दो एवं अनेक यादृच्छिक चरों की चर्चा करेंगे एवं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अंततः यादृच्छिक प्रक्रियाओं पर अपना यह कोर्स समाप्त करेंगे। धन्यवाद।